गाइस तो ये है बुआ का 100 साल पुराना घर। बहुत ही पुराना घर है, इसलिए ऐसे पुराना जैसा दिख भी रहा है क्योंकि बहुत पुराना घर है। अभी बनेगा नया नया तो फिर नया भी दिखाएंगे आपको, लेकिन अभी तो ये बहुत ही पुराना घर है, 100 साल पुराना घर है, इसलिए इसकी थोड़ी दशा ऐसी हो गई है। लेकिन यहाँ पे इसके पास में हरे भरे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे, आम के भी पेड़ है, आम जिस पर बहुत लगा था तो मैं खाने की कोशिश कर रही थी पेड़ पे ही, लेकिन मेरे को तो मिला नहीं क्योंकि थोड़ा ऊंचा था। वैसे तो मैं ट्राई मार रही थी कि थोड़ा मिल जाता। यहाँ पे मुझे सब लोग देख के हंस रहे थे कि हो क्या रहा है भाई, यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर मेरे दोस्त से मिलिए जो मेरे इंतजार में बैठा था, कलुआ मेरा दोस्त, मैं बोल रही थी कि हाथ मिला लो, हाथ मिला लो, हाथ ही नहीं मिला रहा था। फिर ये भागने की कोशिश करने लगा तो मैंने कहा कि जाओ बेटा जी लो अपनी ज़िंदगी, मत मिलाओ मेरे हाथ से, हाथ जाओ अपनी ज़िंदगी जी लो। फिर मेरे को छोटी बच्ची की साइकिल दिखी तो मैंने सोचा यार थोड़ा ट्राई मार लेते हैं इसके भी कि क्या होता है। तो मैं गई साइकिल चलाने की चक्कर में, क्योंकि साइकिल पड़ा था, कोई था नहीं, तो फिर मैंने सोचा यार थोड़ा ट्राई मार लेती हूँ क्या ही जाता है। मैं डर डर के चला रही थी कि कहीं टूट टूट ना जाए भाई, छोटी बच्ची का साइकिल है। तो फिर मैंने थोड़ा ट्राई मारा तो वैसे तो मैं इसे चला नहीं, क्योंकि बच्चों का साइकिल है यार, बड़ों से चल कैसे सकता है। और बहुत ही छोटा सा साइकिल था छोटी बच्ची का, तो फिर मैंने थोड़ा सा ट्राई मारा, थोड़ा सा चला, फिर मैं उतर गई क्योंकि यार टूट टूट जाता, दूसरे का साइकिल है तो भाई बहुत ही दिक्कत हो जाती। तो फिर यहाँ पर प्रगति चला दी, क्योंकि बच्चों का साइकिल बच्चे ही चला पाएंगे, बड़े तो चला नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रगति जी कितना अच्छा से साइकिल को चला पाई, हैंडल कर पाई, जो मेरे से चल नहीं रहा था बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छे से चलाएगी धीरे धीरे। ये भी चला नहीं पाती थी, लेकिन इनको भी नीलू बुआ ने सिखा दिया तो ये चलाने लगी। और देखिए यहाँ पे आम, मुंह में पानी आ गया आम देख के, क्योंकि आम देख के यार खट्टा हो या पक्का हो मुँह में पानी आ ही जाता।